दिल्ली में अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा है। इस बीच पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा यह केजरीवाल की विफल सरकार है, वो भ्रष्टाचार में इतना फंस गए हैं कि इस देश के इतिहास में पहली बार किसी दिन कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री 8-10 दिन जेल में जाएगा। समस्या यह है कि इससे ज्यादा असभ्य कोई सीएम नहीं। आप दिल्ली या एलजी में किसी से भी पूछे, कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ग्रुप ए और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर व उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी कर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर दिया। यह अध्यादेश ऐसे समय जारी किया गया जब हफ्ते भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और भूमि को छोड़कर नियंत्रण दिल्ली सरकार के हवाले किया है। शुक्रवार को दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। अध्यादेश में कहा गया है प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की और सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के नाम से एक प्राधिकरण होगा। अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री चेयरमैन के तौर पर शामिल होंगे, उनके अलावा अथॉरिटी के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। प्रधान गृह सचिव अथॉरिटी के सदस्य सचिव होंगे। अध्यादेश के अनुसार अथॉरिटी द्वारा तय किया जाने वाले सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तैयार किए जाएंगे। अथॉरिटी की सभी सिफारिशों को सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।